अच्छा एक वैसे एक बात है, आप लोगों को पता है हमारे मुल्क में सबसे बड़ा झूठ क्या बोला जाता है? क्या हकीम साहब, ये मेरा मसला नहीं है, ये मसला मेरे दोस्त का है। मेरे भी, मुझे भी शोर शराबा खून खराबा नहीं भाई। I'm a lover, not a fighter. ये तो खून खराबा देख के बेहोश हो जाता है भाई। मुझे मैं बम से नहीं डरता, मुझे धुएं से एलर्जी है। मैं लड़कियों से कहना चाहता हूँ कि जिन लड़कियों को रात को हिचकी आती है ना, वो ये बात समझ लें कि लड़के उनके नाम की माला झप रहे हैं। हाँ, मतलब याद कर रहे हैं। हाँ। छींक जो खतरनाक होती है ना, ये एज के साथ साथ खतरनाक होती है। 45 साल के आदमी की छींक। अच्छा एक सीरियस बात, अगर औरत को इस बात का पता चल जाए ना कि मर्द को टाइम पास करने के लिए खुले बालों वाली औरत चाहिए और जिंदगी गुजारने के लिए पर्दे वाली औरत चाहिए, तो बहुत सारी औरतें तबाही से बच सकती हैं। वो आए थे अपनी वफाओं का हिसाब करने हमसे। अच्छा, वो आए थे अपनी वफाओं का हिसाब करने हमसे। किताबे इश्क खोली तो कर्जदार होकर चले गए। वाह, ये गूंगे से मुझे याद आया। अच्छा एक बात बताएं, गूंगा अपनी गर्लफ्रेंड को गाना कैसे सुनाएगा? गूंगा अपनी गर्लफ्रेंड को गाना कैसे सुनाएगा? कैसे? यूट्यूब पे लगा के। ये लड़की, मैंने बोला था ना ये कुछ करेगी, ये मुझे शक है ये स्पाइडरमैन, ये रात को रस्सी निकालती है, ये मुझे शक है ये स्पाइडरमैन है, रस्सी निकालती है, लोग उसमें कपड़े सुखाते हैं। अच्छा क्या? अच्छा ये, अच्छा रोज एक बात बताएं, लड़के अजीब अजीब किस्म का फ्लर्ट करते हैं, ये कहते हैं यार 2-3 किस उधार दे दो कल वापस कर दूंगा, तो ये गलत बात है। उधार पे क्यों जा रहे हो यार? उसका ऑलरेडी किसी और से उधार लिया है। अस्सलाम वालेकुम मुस्लिम बरकत भाई। वालेकुम अस्सलाम और वेलकम 2024 है ना। और 2024, अभी मैं रात को लेटा ये सोच रहा था कि यार हर चीज ऑनलाइन हो गई है 2024 में। इनफैक्ट 2023 में भी लोग बातें करते रहते हैं नए साल में, ये नए साल में भाई, नए साल की सिर्फ इतनी सी कहानी है। हाँ? नए साल की बस इतनी सी कहानी है, कैलेंडर नया है, कील वही पुरानी। उसी कील पे दूसरा कैलेंडर टंग जाएगा। हर चीज ऑनलाइन यार, मतलब के सामान आ रहा है ठीक है, रिश्ते ऑनलाइन, सेटिंग ऑनलाइन, अंडरस्टैंडिंग ऑनलाइन। बस एक ही चीज है जो ऑनलाइन नहीं हो पा रही। अंग्रेज वो भी कर देंगे भाई। हाँ, मतलब बच्चों की बात कर रहे हैं आप? बच्चों की बात करो, बाकी तो ऑनलाइन हो ही रहा है ना, मतलब सिर्फ डिलीवरी रह गई है। हाँ, नहीं, वो किसी दिन भी फूड पांडा वाला के दे देगा। लेकिन अब खैर खैरियत का जमाना चला गया है। अगर आप किसी को ऑनलाइन देखें तो समझ जाएं सब कुछ ठीक है। अल्लाह हम सबको ऑनलाइन रखे, आमीन। वाह, मुझे ऐसा लगता है कि अब 2024 में मरने का भी ऐसा पता चलेगा, लास्ट सीन देख। हाँ, इंतकाल कब हुआ बोलेंगे, लास्ट सीन देख। यार आप, अच्छा एक वैसे एक बात है, आप लोगों को पता है हमारे मुल्क में सबसे बड़ा झूठ क्या बोला जाता है? क्या? हकीम साहब, ये मेरा मसला नहीं है, ये मसला मेरे दोस्त का है। अच्छा एक सवाल और है, ये मेरा सवाल नहीं है। हाँ। किसी ने, ये नौजवानों ने सवाल किया है। हाँ, करें। ये जो सरकारी नौकरियां होती है माजूरी कोटे पे, हाँ, तो इसमें मर्दाना कमजोरी वालों को नौकरी मिल सकती है? यानी किसी ने पूछा है मुझसे कि आप अहमद खान से पूछिए। हाँ, ये अहमद आज हमारी जो गेस्ट है उनसे पूछ लीजिए। मैं क्या अप्लाई करने गया था? हमारी गेस्ट टुडे वेरी हॉट एंड वेरी शॉर्ट एंड ओवर गेस्ट, नॉट शॉर्ट, कम कम आ रही ना, लोगों ने मुझे कहा है कि इसको लाओ। ओके, और वो लोगों ने बहुत मिस किया, बहुत मिस किया भाई, और आज जो उनकी ड्रेसिंग है, आप लोगों को कसम में सबसे पहले उस पर बात होगी। अच्छा ठीक है, हम तीनों की तालियों में मिस रोज। माशाल्लाह, रोज आपने इस तरह की ड्रेसिंग की हुई है और ये आप सजी हुई है। ईद के दिनों में बच्चियां ऐसे घूम रही होती है पर्स लेके, एक हाथ में पेप्सी होती है और एक हाथ में चिप्स का पैकेट, और पर्स के अंदर 10 रुपए होते हैं। नहीं है, और ये देखिए क्या मसला, जो नजर आ रहा है वो सब कुछ, और ये आप ये देखिए, ये कानों में डॉलर पहना हुआ। वाह वाह वाह, मैनिफेस्टेशन। क्या चीज? क्या फ्रस्ट्रेशन? मैनिफेस्टेशन। नियत करते हैं, जैसे शाहरुख खान का डायलॉग है कि आप अगर किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात जुड़ जाती है उस चीज को। मतलब इसी बात के आप, तो इसलिए मैं डॉलर्स पहनती। इसी बात पे आपको देख के अर्ज किया है कि चढ़ जाएगा बुखार लग जाएगी नजर जमाने की, चढ़ जाएगा बुखार लग जाएगी नजर जमाने की, चढ़ जाएगा बुखार लग जाएगी नजर जमाने की, क्या जरूरत थी तुम्हें बेनकाब आने की। ये तो हमेशा ऐसी आती है, ये तो हमेशा याद है, वो आती बहुत जल्दी आती है, टाइम पे आती है। What about बरकत उसमें भाई, ये क्या पहनी है सर पे? यार ये तो वो हेयरबैंड है, हेयरबैंड है ये, इसने बालों को रोका हुआ है। अच्छा मुझे ऐसे याद है, बुकर्टी आता था ना एक रेसलर, कभी-कभी पहनता था। देखो, it's giving like a Roman touch, वो रोम की
औरतें ऐसे पहनती। अच्छा एक सवाल है, ये बालों से मुझे याद आया, क्या ये बात सच है, लड़कों का सवाल आप तक पेश कर रहा हूँ, लड़कों ने सवाल किया है क्या ये बात सच है कि लड़कियों के आधे पैसे जो हैं, लड़कियों के आधे पैसे जो हैं वो सर पे बाल उगाने में और आधे पैसे जो हैं वो जिस्म से बाल हटाने में ही उड़ जाते हैं। बिल्कुल ठीक हाँ, और स्किन को मेंटेन करने में भी। वाह 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 वाह, अच्छा रोज स्किन मेंटेन हो जाती है तो इसके मेंटेनेंस कौन पे कर रहा है, जो स्किन मेंटेन कर आप खुद पे कर रहे हैं। बीसी डाली हुई उन्होंने यार, बीसी डाली हुई। मैं तो सेल्फ फाइनेंस, पहली बीसी कौन निकालता है जो मेंटेनेंस क्लियर करता है। मैं तो सेल्फ फाइनेंस्ड हूं। सेल्फ फाइनेंस, ओ सेल्फ फाइनेंस, क्या बात है, क्या बात है भाई, सेल्फ एंड हिमसेल्फ। नो स्पॉन्सर्स, नो स्पॉन्सर्स, नो स्पॉन्सर्स, नो स्पॉन्सर, नो टेक्नीशियन, नो इलेक्ट्रिशियन, नो कारपेंटर, only painter, she is painter. Oh, wow. Wow. मेरा आपसे एक सवाल है, 2024 आ गया है, क्या ऐसा करेंगी 2024 में जो 2023 में नहीं उखाड़ सकी? यार लोग तो ऐसी खुशियां मना रहे थे 2024 आ रहा है जैसे पता नहीं उनके घर पे छोटा भाई आ रहा है। लोगों की फितरतें वही है, ठीक है, लोगों की हरकतें वही है, लोग वही जलालत करेंगे, वही धोखेबाजियां करेंगे, तो कि क्या फिजूल में क्या खुशी है नए साल की। वाँ, वाँ, जब वाँ, तक वाँ, लोग अपनी फितरत नहीं बदलेंगे तो आपके इलाके में वो फायर हुए थे, ठा 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 ठा, हाँ फायरवर्क्स हुए थे, होते हैं हाँ, छत छत पे, छत पे देखने गई थी, नहीं हम छत किसी और की छत लाइव देखे थे, लाइव देखे, अरे हाँ आप तो वहाँ गई थी ना। अच्छा आपने, मैंने सुना आप क्लाशन कोप भी चलाई है आपने कोई? नहीं, आई एम नॉट, नहीं 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 थी हाँ, फिर क्या था, पिस्तौल थी, पिस्तौल छोटी वाली, पिस्तौल पिस्तौल चलाई ना आपने? हाँ, वो एक शूटिंग रेंज हाँ, पे हाँ, yes, शूटिंग रेंज हाँ, पिस्तौल है, उनके पास पिस्तौल है ही नहीं है, अजीब बात कर रहा हूँ। बट आई डोंट लाइक वायलेंस, मेरे भी, मुझे भी शोर शराबा खून खराबा नहीं भाई, आई एम अ लवर नॉट अ फाइटर। ये तो खून खराबा देख के बेहोश हो जाता है भाई, मुझे मैं बम से नहीं डरता, मुझे धुएं से एलर्जी है, मेरा भी प्रॉब्लम है, हर आदमी का अपना प्रॉब्लम है। कह रहा इंजेक्शन की सुई देखते ही बेहोश हो जाता है, मतलब दिल इसका इतना कमजोर है अंदर से। नहीं, अमन पसंद है ना, मैं भी अमन पसंद। अच्छा रोज साहब एक सवाल है, मुझे एक सवाल याद है, ये पब्लिक का सवाल है जो आप तक रख रहा हूँ, क्या ये बात सच है, कहते हैं कि औरत जो है, औरत जो है वो सिर्फ गरीब और बदसूरत आदमी के छेड़ने पर ही शोर मचाती है। हाँ, I agree with the fact because ऐसी movies है जैसे 50 Shades of Grey, अब वो बंदा मतलब वो रोमांस कर रहा है जिस तरीके से कर रहा है, तो तरीका, तुम्हें तरीका पसंद नहीं आया, मैं समझ गया, ठीक है वो रोमांस है, लेकिन अगर यही रोमांस इसी तरीके की मारपीट अगर गरीब बंदा करता है तो एक सीरियल किलर हो जाता है। मैं तो कहता हूँ प्यार, मतलब वो कर रहा है तो वो बड़े कोई अलग तरीके का रोमांस। नहीं 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 जी, मैं तो कहता हूँ प्यार हमेशा शर्मीले इंसान से करो। क्यों? मैं बाद में बताऊंगा, अभी मुझे शर्म आ रही है। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे भाई। लेकिन आपको पता है शर्मीले शर्मीले लोग ही सबसे ज्यादा। अच्छा मुझे एक बात समझ नहीं आती, ये मोहब्बत में रातों को जागना जरूरी है कि रात को जागेंगे तो रोमांस होगा, दिन में वो बातें नहीं हो सकती जो रात में होती है? नहीं नहीं, आप पता है रात की अलग बात है, देखिए जब सुहाग रात कहा जाता है, सुहाग दिन नहीं कहा जाता। हालांकि गांव देहातों में दिन में भी शादी होती है, दिन में भी होती है। एक बात बताएं, ये दिन में जो शादी होती होगी क्या मतलब, वो काला बल्ब लगाते होंगे? नहीं, सूरज निकला हुआ है। हाँ, सूरज पे कपड़ा डाल दिया, कुत्ते भौंक रहे हैं आजकल। आजकल सुहाग रात का बता रही, क्या बोली? आजकल क्या, आजकल क्या, आजकल आप देखिए दिसंबर में जितनी भी शादियां हुई थी वो मोस्टली दिन में हुई थी, अब तो ट्रेंड हो गया, एक ट्रेंड हो गया। हाँ, मैंने देखा, नाम भी का शादी अटेंड की हमने, दिन में सब लोग व्हाइट कपड़े पहने हुए। मैं आपके इस चैनल के थ्रू तमाम लड़कियों को एक डिसेंट मैसेज देना चाहता हूँ, आई हैव टू कन्वे देम। मैं लड़कियों से कहना चाहता हूँ कि जिन लड़कियों को रात को हिचकी आती है ना, वो ये बात समझ लें कि लड़के उनके नाम की माला झप रहे हैं। हाँ, मतलब याद कर रहे हैं और छींके भी तो आ सकती है। छींके भी आ सकती है, क्योंकि जब मैंने सुना ये ज्यादा छींके आती है तब भी वो कहते हैं ना कि कोई आप और हिचकियां आती हैं, हिचकियां। अच्छा, अगर हिचकियां आ रही हैं तो इसका मतलब कोई आपको याद कर रहा है। हाँ, कोई आपको याद कर रहा है। और अगर छींक आए तब भी आपको याद कर रहा है। हाँ। और छींक आते आते अगर रुक गई हाँ। तो उसका मतलब है आपको कोई याद कर रहा है, लेकिन उसने बोला चला दफा करो मेरे। अबे आप छींक पे याद आया, आप यकीन करिए मैं आपको सच बता रहा हूँ, मेरे एक दोस्त ने छींक मारी, उसके कपड़े उतर गए, वो कह रहा देखो यार आज तो याद करने वाले ने हद ही कर दी। मतलब टी शर्ट फट गई उसकी। और अगर दूसरी छींक मारता ना तो वो भी हो जाता जो कपड़े उतरने के बाद होता है। हाँ, ये बिल्कुल आपने सही बात की यार। हाँ। कुछ लोगों की इतनी खतरनाक छींक होती है, लड़कियों की अजीब छींक होती है। बहुत से तो गिर जाते हैं, कलाबाजी खाते हैं छींक लेने के बाद। भाई मेरे एक दोस्त की, मेरी लड़की थी, मैं को में भी पढ़ा हूँ ना। अच्छा माशाल्लाह यार, एक लड़की थी सना, उसकी छींक पता कैसी थी? अच्छी अच्छी
हमने बोला मार ली तुमने छीक, मेरी भी छीक ऐसी है, अंदर ही रह जाती है, अंदर ही रह जाती, ये अच्छी बात है, बाहर नहीं आती, बाहर नहीं आती, बाहर आया भी नहीं। और ये छीक जो खतरनाक होती है ना, ये एज के साथ साथ खतरनाक होती है, 45 साल के आदमी की छीक। अच्छा एक सीरियस बात बताऊं आपको, आपको जब छींक आती है आप अल्हम्दुलिल्लाह क्यों कहते हैं? दिल की धड़कन रुक जाती है, सुभान अल्लाह, दिल की धड़कन रुक जाती है जब अल्हम्दुलिल्लाह, तो आप शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बोलते हैं, जन्म होता है आपका एक तरह से, वाह वाह वाह। और आप एक छींक एक साथ लेगा तरह, हां वाह वाह वाह। अच्छा ये बताएं, ये नहीं 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 आपको 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 मानना नहीं चाहते आप, वो तो इस पे खुश हो रही है। मैं भी ये कह रहा था, रोज एक बात बताइए, इतनी सर्दी में आपको छत पर सिर्फ एक ही चीज ले जा सकती है, क्या? वो है जानू की कॉल। वाह वाह, ये मैंने देखा लड़की, अक्सर मैंने देखा रात में जैसे हम कहीं वॉक कर रहे हैं तो छत पे बाल जो है ना वो टहलते हुए नजर आते हैं, बाल और क्यों बाउंड्री होती है ना, तो बाल ही नजर आते हैं, बाल नजर आते हैं। और अक्सर आप छतों पे अगर आप जाके ना दूसरी छतों पे, तो सिगरेट की बत्ती नजर आ रही होती है, और एक मोबाइल, एक हाथ में मोबाइल ऑन लगा रहा है, सिगरेट की बत्ती नजर आ रही है। सर्दी ये आप छत पे सारी बातें आती कहां से है, ये नहीं होती इतनी ज्यादा बात। मैं आपको साइड बता दूं, मना रहे भाई क्या होता है, नहीं पर्सनली मैंने कभी घंटों घंटों ऐसे कॉल पे बात नहीं की, नहीं आपने 5 मिनट में फारिग कर दिया सामने, ज्यादा से ज्यादा नहीं आया बात करती रही, वो बंदा निकला मर्सिडीज में था बात करते हुए, आखिर में 3 दिन बाद आया वेस्पा में, आपा 2.5 किलो गोश्त 1.5 किलो दूध देके जा रही हूँ। एक सेकंड अभी यार 1 घंटा 45 मिनट लगातार बात, लगातार मुझसे बिकॉज़ बहुत टाइम के बाद बात, अच्छा बहुत टाइम के बाद की, सारा कैचअप था, वो उसने फोन रखा और बच्चों को स्कूल छोड़ने गया और कह रही है मुझसे लंबी बात नहीं होती, 1 घंटा इतनी देर तो हाथ में पसीना आएगा, फोन भी गीला हो गया होगा, अबे फोन माथे पे पसीना, पूरा शरीर गीला हो जाए, गर्मियों में गीला हो गया, और उससे पूछो जो पूछा रहा यार, वो बात भी तो लाइक हमने बहुत टाइम के बहुत टाइम बात की थी, आधे घंटे बात की थी, नहीं आखिर में 1 मिनट में वो हो गया, मैं जा रहा हूँ, मैं थक गया हूँ, मैं सो रहा हूँ, मैं खड़े खड़े थक गया हूँ, मैं जा रहा हूँ भाई, उसने ही बोल दिया था मैं जरा फ्रेश हो गया, मैं भी खड़े खड़े थक गया हूँ, और लोग भी खड़े होंगे ना, नहीं उसने कहा होगा मैं फ्रेश हो गया, करिए लो फ्रेश नहीं हो तुम, ऐसा हुआ फिर 1 मिनट जो रह गया उसका बता, उसका प्लीज ये तो कटे, 1 घंटे देखें आप ज्यादती कर रहे हैं यार, अच्छा अभी अभी तो माहौल बना, इतनी दूर से ये मुमकिन है, अच्छा सॉरी आप कहें कि आप ज्यादती करना चाह रहे हैं लेकिन कर नहीं पा रहे, अच्छा यार एक सेकंड यार, यार आप पता फैमिली डिस्टर्ब कर रहे हैं, अच्छा आप मुझे एक बात बताएं, बताएं वो बात बताएं, 1 घंटा 45 मिनट मेरी बात सुनो, लाइक तकरीबन मैंने हेलो अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, कैसे हो, क्या चल रहा है, जैसे मेरी कोई बातचीत नहीं थी, अच्छा तो वो 1 महीने की पहले तो हमारा कोई आई थिंक खड्डा खड्डा हुआ हुआ था, हाँ। तो उस पे बातें होती रही, फिर एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, तो उस मतलब बहुत सारी बातें थी, बाकायदा पोर्शन है, हाँ बाकायदा बिकॉज एक बहुत 1 महीने की बातें थी, ओहो 1 महीने की बात थी, उन्होंने पोर्शन सेट करे था, पहले आधे मिनट मुंह पे बात करेंगे, 15 मिनट पैरों पे बात करेंगे, फिर पोर्शन सेट कर लिए, बातों का पोर्शन सेट कर लिया, 1 महीने की बातें थी, फिर 1 महीने की बातें थी यार, लेकिन 1 घंटा 45 मिनट नॉट अ जोक, क्यों इतनी सारी अपडेट्स, अबे फिल्म आजकल 1.5 घंटे की आ रही है, समझ रहे, अच्छा मेरा एक सवाल है, आप इतने करने को तो आप सबने इतनी लंबी, मुझसे भी मैंने कोई लंबी बात नहीं की भैया, हम बातों पे बिलीव ही नहीं करते, दिमाग खपाएं कहां से बातें लाए, पहले मिनट में ये मतलब सीधी बात, दो बकवास, हां वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा मेरे एक एक मैं एक बात कहना चाहता हूं, जस्टर एक कहते हैं कि दो तरह के आशिक होते हैं, हाँ। दो तरह के आशिक होते हैं, गर्मियों वाले महबूब कदमों में चाहिए, एंड सेकंड सर्दियों वाले महबूब कंबल में चाहिए। अगर औरत को इस बात का पता चल जाए ना कि मर्द को टाइम पास करने के लिए खुले बालों वाली औरत चाहिए और जिंदगी गुजारने के लिए पर्दे वाली औरत चाहिए, तो बहुत सारी औरतें तबाही से बच सकती हैं। वाह 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 रोज। I would like to add something to that. Okay, okay. जब एक औरत हद से ज्यादा मोहब्बत करने लगे ना, तो अक्सर मर्द धोखेबाज निकल जाते हैं।
मोहब्बत तो वो है जिसमें किसी से मिलने की उम्मीद भी ना हो लेकिन फिर भी उसका इंतजार हो। वाह 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 वाह। आपने मोहब्बत की बात की है तो मोहब्बत पे एक शेर इरशाद किया है, ये धुंध भी तुम जैसी है, ये धुंध भी तुम जैसी है, ये धुंध भी तुम जैसी है, तुम्हारे आगे कुछ दिखाई नहीं देता। वाह हाय हाय, आपकी आंखों को देख के अर्ज किया है कि गुलाब आंखें शराब आंखें यही तो है लाजवाब आंखें, गुलाब आंखें शराब आंखें यही तो है लाजवाब आंखें, गुलाब आंखें शराब आंखें यही तो है लाजवाब आंखें, हजारों इन पे कत्ल हुए हैं, खुदा की बंदी संभाल आंखें। भाई लूट ली भाई लूट। इसी बात पर क्या है कि तेरे दीदार पर अगर मेरा इख्तियार होता, तेरे दीदार पर अगर मेरा इख्तियार होता, तेरे दीदार पर अगर मेरा इख्तियार होता तो ये रोज रोज होता, ये बार बार होता। वाह वाह भाई, इसी बात पर अर्ज किया है, यकीन कैसा गुमान कैसा, यकीन कैसा गुमान कैसा, उरूज कैसा जवाल कैसा, उरूज कैसा जवाल कैसा, सवाल कैसा जवाब कैसा, सवाल कैसा जवाब कैसा, मोहब्बतें तो मोहब्बतें हैं, मोहब्बतों में हिसाब कैसा। भाई हर मजार पर, हर मजार पर जाकर तुम्हें मांगा, जाकर तुम्हें मांगा, हर मजार पर जाकर तुम्हें मांगा, हाँ चावल मिल गए पर तुम ना मिली। वाह वाह। इसी बात पर क्या है कि हजार खामियां है माफ कीजिए, हजार खामियां है माफ कीजिए, हजार खामियां है माफ कीजिए, आप भी कभी अपना आईना साफ कीजिए। अपना ईद पे बनने वाली मिठाई आप भी कुछ इरशाद करें। मैं तो मुशायरा एंजॉय कर रही थी लेकिन रोज देखिए हमारी हमारे शेर दिल पे लगते ही नहीं है, रोज के लगते हैं आप तो, लगते हैं भाई ऐसे लगते हैं बाकायदा, रात को टाई बे का सारे नंबर वहीं लगते हैं। तू अगर किसी से मिल रहा है तो लगातार मिल, तू अगर किसी से मिल रहा है तो लगातार मिल, तू अगर किसी से मिल रहा है तो लगातार मिल। मैं वैसे भी नहीं पीता किसी की मुंह लगी चाय। यानी कंफर्म मुंह लगा है, मैं कुछ कहना चाहूंगा, अब मेरी रोज के बीच में कोई नहीं बोलेगा, मेरी हमारी गेस्ट है ना। अच्छा गेस्ट है। वो आए थे अपनी वफाओं का हिसाब करने हमसे, अच्छा वो आए थे अपनी वफाओं का हिसाब करने हमसे, हमसे किताबे इश्क खोली तो कर्जदार होकर चले गए। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह, तेरे आने की खुशी में हमने, तेरे आने की खुशी में हमने तेरे जाने का तो सोचा ही नहीं। वाह 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 वाह, सीखी है उसने मोहब्बतें मुझसे, वो जिससे भी करेगा कमाल करेगा। वाह वाह वाह। इसी बात पर क्या है कि सोच कैसी है ईमान कैसा है, सोच कैसी है ईमान कैसा है, सोच कैसी है ईमान कैसा है, अल्फाज बता देते हैं इंसान कैसा है। वाह वाह वाह, खामोश चेहरों पे भी हजार पहरे होते हैं, हंसती आंखों में भी जख्म गहरे होते हैं। जख्म गहरा है भाई, जख्म गहरा है तो इसमें सनी प्लस लगाओ, ये किसने दिया आपको, सनी प्लस लगाओ या सनी लगा लो, हाँ या सनी देओल लगा लो। सबसे बड़ा झूठ आप कोई भी इंसान से पूछे कि आप सबसे, अगर उस इंसान की जिंदगी में जो कुछ हो रहा आप पूछेंगे तुम कैसे हो, बोलेंगे मैं ठीक हूँ। सबसे बड़ा झूठ एक इंसान यही बोलता है कि मैं ठीक हूँ। इसी बात पर क्या है कि जिस्म तो होता है पर जान नहीं होती, जिस्म तो होता है पर जान नहीं होती, जिस्म तो होता है पर जान नहीं होती, उनसे पूछो जिनकी माँ नहीं होती। अरे वाह 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 वाह, कहाँ से माँ पे लाए आप। वाह वाह बरकत भाई, आपने तो शो की माँ की यादें ताजा कर दी। के बड़ा ही जान लेवा है साहेब, बड़ा ही जान लेवा है साहेब, बड़ा ही जान लेवा है साहेब, ये अहम होने का वहम होने। वाह 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 भाई, अर्ज किया है मैं तेरे साथ था तो सिर्फ तेरा ही था, मैं तेरे साथ था तो सिर्फ तेरा ही था, मैं तेरे साथ था तो सिर्फ तेरा ही था, तू छोड़ कर गया तो सबने अपने अपने हिस्से का नोच लिया। हैं? ये शेर आगे स्पीड ब्रेकर नहीं आ गया इसमें? यार बस याद नहीं हो रहा, मैं क्या करूं यार, क्या करूं मैं? बहुत अच्छा आपने, है ना? भाई इसी बात पर अर्ज क्या है कि मेरी वफाओं का इतना तो सिला दो, मेरी वफाओं का इतना तो सिला दो, मेरी वफाओं का इतना तो सिला दो, घर बुलाकर एक कप चाय तो पिला दो। हाय 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 हाय, जो ना पसंद करे चाय जैसी हर दिल अजीज को, आहा वो ना पसंद, जो ना पसंद करे चाय जैसी हर दिल अजीज को फौरन ब्लॉक कीजिए उस बदतमीज को। वाह 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 वाह, जरूरी तो नहीं है, कुछ लोगों को कॉफी भी अच्छी लग सकती है। ओके ओके, एक सेकंड एक सेकंड, 2023 में कितने बंदों को ब्लॉक किया?
और घर जाके उसको ब्लॉक किया। हाँ, और हाँ। घर पे जाके ब्लॉक लगाया। अगर किसी देखें कोई फजूल बात करता है तो फिर आप लो, फिर तो आपने सबको ब्लॉक कर, पूरा फेसबुक खाली होगा। एक सेकंड कोई काम की बात भी करता है, आपका कहने का मतलब ये है मतलब इंस्टाग्राम वगैरह पे सोशल मीडिया पे कुछ होते हैं ना घटिया कॉमेंट्स कर रहे होते हैं ब्लॉक। वैसे आई एम नॉट अ ब्लॉक पर्सन, ये ब्लॉक नहीं करते। वैसे हर 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 आदमी मैं चाहती हूँ कि तुम देखो मेरी जिंदगी में क्या हो रहा है, क्या ब्लॉक करें। वाह 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 वाह, अच्छी बात, अच्छी बात। आपने तो कुछ गलत नहीं किया, गलत किया है तो उसने किया है ना। फ्रंट रो सीट लेके देखो मैं कितनी खुश हूँ। अच्छा एक सवाल का जवाब दीजिए रो साहिबा, वो क्या है जो गूंगा बोल सकता है, अंधा देख सकता है, बहरा सुन सकता है और हम खाएंगे तो मर जाएंगे? क्या कुछ नहीं, गुंगा देख गुंगा बोल सकता है कुछ नहीं, अंधा देख सकता है कुछ नहीं, बहरा सुन सकता है कुछ नहीं, हम जो खाएंगे मर जाएंगे कुछ नहीं, कुछ नहीं। वाह 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 वाह, ये गुंगे से मुझे याद आया। अच्छा एक बात बताएं, गुंगा अपनी गर्लफ्रेंड को गाना कैसे सुनाएगा? गुंगा अपनी गर्लफ्रेंड को गाना कैसे सुनाएगा? कैसे? कैसे? यूट्यूब पे लगा के बहुत अच्छा गाना, आरिफ लोहार का गाना, हमारे फेवरेट। अरे चिमटा चिमटा, लोगों ने अपने चिमटे जला दिए, चिमटे चिमटा पकड़ लिया, बहुत फेमस, बहुत फेमस। और उनकी बड़ी जानदार है, वन ऑन ट्रेंडिंग ऑन, क्या बात है, क्या बात देख रही थी। अच्छा वैसे एक बात है, आप लोगों को पता है इंसान की ख्वाहिशात का प्याला क्यों नहीं भरता? क्यों? क्योंकि उसमें नाशुकरी के सुराख होते हैं। बिल्कुल, वाह वाह, और चाहिए होता है, ज्यादा चाहिए होता है। तो कोई चीज मिल जाती है तो वो इंसान कोई भी हाल में खुश नहीं है, वो कहता नहीं मुझे इससे अच्छा चाहिए, मुझे इससे अच्छा चाहिए। ए रोज तुम रोज आया करो ना यार, ये कितनी अच्छी बातें करते हो यार। बात ये है अहमद भाई, एक बात बताऊं, अगर किसी से जुदा होना इतना आसान होता ना तो जिस्म से रूह को लेने फरिश्ते नहीं आते। तो एक बात बताएं, 2023 खत्म हुआ, 2024 हर आदमी का एक रेजोल्यूशन होता है कि उसने ये नहीं करना इस साल। जैसे मेरा है कि मैं इस साल नहीं लगाऊंगा, किसी से उम्मीदें नहीं लगाऊंगा इस साल, जो करूंगा अपने बलबूते पे करूंगा। आपका क्या है? लेकिन आपको एक बात बताऊं, 12 साल के बच्चों ने स्टेटस लगाया हुआ है कि मैं अपने माजी को भूल चुका हूं। अबे कोई उनसे पूछे क्या तेरी माँ ने फीडर में चीनी कम डाली? 12 साल के बच्चे को मतलब उनको आशिकी हुई हुई है, मतलब उनका की उम्र में आशिकी कर बैठ। अरे भाई छोटे छोटे बच्चे बड़े बड़े लोगों तक करते हैं। कहते हैं कि क्रश और ब्रश बदलते रहना चाहिए क्योंकि दिल और दांत टूटने नहीं चाहिए। लेकिन अगर आपका दिल टूटा नहीं तो फिर आपने आशिकी की नहीं। और ये भी कहते हैं, ये भी कहते हैं कि हर दुखी इंसान इश्क का मारा नहीं होता, हो सकता है कोई उसकी चाय भी गया हो। हाँ अच्छा अच्छा, एक सेकंड, वो रेजोल्यूशन आपकी क्या है 2024 में? मैंने तो बहुत पहले न्यू ईयर रेजोल्यूशन बंद कर दिए थे बनाना, बिकॉज वो नहीं होते, यू नो मैं नहीं बनाती न्यू ईयर रेजोल्यूशंस, आई डोंट बिलीव इन देम। लेकिन कोई एक अच्छे काम की नियत करे ना यार, अच्छे काम तो करने ही चाहिए। अच्छे काम की नियत करूंगी आपके शो में कैसे आऊंगी? नहीं, आई बिलीव दैट न्यू ईयर रेजोल्यूशंस नहीं होते, इट्स जस्ट वो एक दो हफ्ते की वो एक होता है और फिर इसके बाद आप वही अपने पुरानी हैबिट्स में फॉल बैक कर जाते हैं। हाय हाय हाय, लेकिन मैं कहता हूं यार, मैं तो 2023 से एक ही बात सीखा हूं कि बिना आवाज के रोना बड़ा मुश्किल है। अच्छा कहते हैं सिर्फ मरे हुए लोग ही नहीं, कभी कभी जिंदा लोग भी लौट कर नहीं आते। वाह 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 वाह, बिल्कुल सही, ये फीलिंग आई ना यार। एक बात कहना चाहता हूँ, आप इस बात को आगे बढ़ाइएगा, कहते हैं ना इंसान हंसकर सीखता है ना इंसान रोकर सीखता है। ना इंसान हंसकर सीखता है ना इंसान रोकर सीखता है, ना इंसान हंसकर सीखता है ना इंसान रोकर सीखता है, जब भी सीखता है या तो किसी का होकर सीखता है या फिर किसी को खोकर सीखता है। अच्छा एक बात बताएं, ये खरबूजे की आंखें होती है नहीं, फिर ये क्यों कहते हैं खरबूजा खरबूजे को देख के रंग बदलता है? अरे अच्छा आप तूतले नहीं आपको खरबूजे की पहचान है? नहीं खाती ना, किन्नू भी नहीं खाती, नो
यार ये कमी रह जाएगी, कुछ फ्रूट खाना बड़ा जरूरी है। इसको पता है वो कैल्शियम पूरी कर लेती है, वो कमी पूरी कर लेती है, मतलब प्रोटीन शेक लेती है ना, प्रोटीन शेक, मल्टीविटामिन्स। सिर्फ सबर का फल खाती है? सबर का फल मीठा होता है। आपने ये इतना अच्छा शेर बोला ना कि वाकई में इंसान खोके ही सीखता है, बिकॉज कुछ लोग होते हैं जो आपको फॉर ग्रांटेड लेते हैं, यू नो, जब तक आप उनकी जिंदगी से दूर नहीं चले जाते तब तक वो मतलब नहीं सीखते आपका, यू नो, कि आप कितने इंपॉर्टेंट हो। सो दैट इज सो ट्रू, बिल्कुल सही बात है। वो कहते हैं किसी को तकलीफ में देखकर ना आप जोर जोर से हंसना शुरू कर दें, वो अपनी तकलीफ भूल के आपको गालियां देना शुरू कर देगा। यार एक बात कहना चाहता हूँ यार मैं, वो कहते हैं अगर हम सफर चाहने वाला हो ना, अगर हम सफर चाहने वाला हो तो खुशियां गुर्बत में भी रक्स करती हैं। रक्स, रक्स क्या? लेकिन इसमें भाई इसमें भी रक्स ले आया, इसमें भी रक्स ले आया। बचपन में पायल पहन कर भी रक्स किया आपने? कभी रक्स किया? अच्छा, अरे यार वो मंजोली का है, मंजोली का यार आपने कभी? वैसे ये जो आया था ना गाना कथक, ये जो भी गाना आया था ना, मीजे तुमा, इससे लोगों ने बकायदा आर्ट है, ये आर्ट है, लेकिन बंदे उसमें नो इन्वॉल्व होते हैं। पुरानी हवेली और डांस नया, पुरानी हवेली डांस नया। अच्छा 2024 में क्या करेंगी अपनी फिटनेस के लिए, क्या करेंगी अपनी डाइट के लिए? अभी तो शुरू हुआ है 2024, लेकिन अरे अभी से करो नहीं तो देर हो जाती है। यस, आई हैव प्लान्ड कि मैं यू नो आई एम गोना जॉइन द जिम, बिकॉज़ लास्ट 2023 के लास्ट 3-4 मंथ्स में मेरा जिम ऑफ हो गया था, थिंग्स वर अ बिट इधर उधर। हां, क्या लेटी डाइट में? अभी मैं आपसे ऑफियर पूछ रहा था, यू लाइक झींगा, आप झींगा बड़े शौक से खाती हैं? आई डोंट लाइक झींगास, मैं झींगा नहीं खाती। पर और भी भाई, आप झींगा स्मेल इतनी बुरी आती है, कौन खा सकता भाई? हम तो झींगा खाते हैं, झींगा वो नहीं खाते जो झींगा लाला नहीं कर सकते। आपका इशारा मेरी तरफ है? नहीं नहीं, गाने की बात कर रहा हूं, आप अगर ले जा रहे हो तो ले जाओ यार। वैसे झींगा जो है ना खाना नहीं चाहिए, आप झींगा खा के टक्करे मारते हैं। नहीं नहीं, क्योंकि झींगा फयास टक्कर बन जाता है। नहीं, अगर आप वो बड़ा खा लेना, टाइगर जो होता है, टाइगर झींगा खा ले आप, दो झींगा खा ले, एक हफ्ता इतना अच्छा गुजरेगा, सर्दियों में बेहतरीन। और मैं कहता हूं इसके लिए शादी करनी पड़ेगी। हाँ, जरूरी नहीं है, आप हर चीज गलत मायनों में नहीं ले जाएगा। सही कह रहे हैं भाई, झींगा खा के आदमी टक्करे मारता दीवारों पर, फयास टक्कर बन जाता है। फयास टक्कर है ना, ये ढड़ा है, ये तेरे को दिख नहीं रहा। रजा खान, अल्लाह जन्नत नसीब करे, रजा खान इंतकाल हो गया, बड़े फेवरेट है मेरे, पप्पू कांगी। उन्होंने 2-2 घंटे की फिल्म में सिर्फ एक सीन किया, लेकिन वो सीन वायरल है। क्या बात है, यस बॉय, उसमें थे बादशाह फिल्म में थे बादशाह, और ये फयाज टक्कर मतलब कैसा कैरेक्टर है। इसमें इस कारीगर को हम 5 लाख नहीं 50 लाख देंगे। अच्छा, कौन सी 2024 में कौन सी फिल्म देखने का इरादा है या बनाने का इरादा है? बनाने का इरादा है, या जो भी फिल्म को एज अ प्रोड्यूसर, एज अ प्रोड्यूसर। मैं, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं फिल्में बनाऊं। नहीं, यार फिल्म नहीं, क्या कह रही हैं, आपके पास पैसे नहीं, ना करें, पता है, लाना था हम लोगों को, लाना आप नहीं, बट अगर 2-2.5 लाख के तो कपड़े पहने हुए आपने, माशाल्लाह। बजट आ गया, एक सेकंड, बजट आ गया। हाँ। किसको हायर करेंगी पाकिस्तान से पहले, किसको हायर करेंगी फिल्म में पाकिस्तान एज अ हीरो, मतलब बड़े बड़े पर्दे का कोई हायर करें? इट डिपेंड्स, स्क्रिप्ट कैसी है आपकी। अगर आपकी स्क्रिप्ट रोमांटिक है तो फिर उस हिसाब से आपको कास्टिंग करनी पड़ेगी। अगर आपकी स्क्रिप्ट गैंग्स ऑफ वसेपुर या मिर्जापुर जैसी है तो फिर उस हिसाब से, मिर्जापुर जैसी है, अगर हमारे यहाँ कौन है ऐसा, सो टू प्ले द कैरेक्टर ऑफ कालीन भैया, हाँ, हमारी इंडस्ट्री से आई थिंक नुमान एजाज वुड बी परफेक्ट। नुमान एजाज आपके पक्के दोस्त यार, ये क्या बात है, बड़े आदमी, बड़े आर्टिस्ट, बड़े आर्टिस्ट, बड़े इंसान, मेरे फेवरेट है वो, सबके फेवरेट है नुमान भाई, सबके फेवरेट है नुमान भाई, अल्लाह उनको सेहत दे, जिंदगी दे। वाह वाह, बड़ी मजा आ रहा है ये जो गुफ्तगू हो रही है, लेकिन हमारी जो रिस्पेक्टेड गेस्ट हैं, इनकी एक शिकायत है, क्या कि आप स्पेस नहीं देते उनको? नहीं नहीं, स्पेस हमेशा दी, एक बार तो मैंने उसको इतनी स्पेस दी, इसने कहा ज्यादा हो रही, कम करो, है ना यार, इतनी जगह थी, मैं भी आ गया उस स्पेस, हम स्पेस, हम दोनों आपको स्पेस तो दे रहे हैं, आप बोले प्लीज प्लीज, ये खुद ही शेर बोले जा रहे हैं। अच्छा, बोले बोले, आप अपना शेर निकाल, बोले आप लोग इस बात से अग्री तो करते हैं कि उर्दू जैसी कोई जबान नहीं है, मतलब बहुत ही खूबसूरत जबान, खूबसूरत जबान है हर जबान, लेकिन अगर उर्दू बोली जाए, हाँ, अब तो उर्दू का जनाजा है, जरा धूम से निकले वाली बात चल रही है। वाह वाह, हर जबान की अपनी खूबसूरती है, लेकिन हमारी उर्दू है तो उर्दू की क्या बात। आप किसी के सामने बोलते हो मसाला, कहेंगे यार ये क्या बोल दिया, मसाला मसाला है, मसला मसला बोलते हैं, मसला मसला। अच्छा, आप देखो उर्दू बड़ी कमाल जबान है, लेकिन कभी कभी अजीब हो जाती है, घड़ी खराब होती है हम कहते हैं बंदे, लड़की खराब होती है हम कहते हैं चालू है, उर्दू में ये एक बात है। इंग्लिश में आप बोलते हो डार्क सर्कल्स, डार्क, हाँ हाँ, इंग्लिश में आप कहते हो डार्क सर्कल्स, कहाँ के आंखों के नीचे के डार्क सर्कल, डार्क सर्कल, ठीक है, लेकिन उर्दू में आप कहते हैं ब्लैक स्पॉट, उर्दू में आप कहते हैं अधूरी ख्वाबों का कब्रिस्तान है ये,
यहाँ किससे छुपे हैं एक दौरे हयात के। वाह 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 के भाई अब हम दिल नहीं लगाते किसी से, अब हम दिल नहीं लगाते किसी से, अब हम दिल नहीं लगाते किसी से, या तो अपनी कीमत बताओ या दफा हो जाओ। वाह 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 वाह, आप अब आप भी टक्कर पे, कोई टक्कर पे आ जाए, टक्कर पे आ जाए, आप भी टक्कर मार आ जाए। मैं आ जाऊंगा, एक स्टूडेंट का कहना, स्टूडेंट की तरफ से शेयर कर रहा हूं कि वो मुड़ मुड़ कर हमें देख रहे थे और हम उन्हें, वो मुड़ मुड़ कर हमें देख रहे थे और हम उन्हें, क्योंकि एग्जाम में ना उन्हें कुछ आता था और ना हमें। सबकी कहानी एक साथ सुना दी भाई तूने, ये एक सेकंड बात बताएं। अच्छा ये शेर ढूंढने में आपको थोड़ा टाइम लग रहा है? हाँ, आप बता, हालांकि शेर आप ढूंढ सकती हैं, आपके सामने नजर नहीं आ रहा। कि मेरे सारे गम भुला दे ए दोस्त, मेरे सारे गम भुला दे दोस्त, मेरे सारे गम भुला दे ए दोस्त, मुझे पिज्जा खिला दे दोस्त। वाह 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 वाह, क्या शेर बोला है आपने, वाह वाह। ये मैंने इसलिए बोला है ताकि इनका फ्लो बन जाए, ताकि फ्लो बना रहे, आप शेर ढूंढ लें। रोज बहुत अच्छे शेर सुना रही हो तुम। मैं, अच्छा आपने नहीं सुनाया ये भाई, बात बात इसी बात पर कह के, बात बात पर करती हो, बात बात में करती हो, बात बात पर करती हो, ये इंसान होकर भैंस जैसी हरकतें क्यों करती हो? अब शेर आपका। अच्छा ये आपके लिए नहीं था, ये ऐसे माहौल बनाने के लिए। यार आप हम अहमद खामोश बरकत भाई, आप बोले प्लीज, शेर बोले अपना। अच्छा बोल दूं? हां बोल दे, मेरे घर जाके मैसेज करती है, मैं वो बोलने नहीं दिया आज भी। अच्छा सॉरी सॉरी, हां प्लीज प्लीज, हां बोले 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 बोले। अच्छा तुम्हें गुरूर है कि तुम्हें चाहने वाले बहुत है, तुम्हें गुरूर है कि तुम्हें चाहने वाले बहुत है। मुकर्रर 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 प्लीज, तुम्हें गुरूर है कि तुम्हें चाहने वाले बहुत है, मुझे गुरूर है कि मेरी तरह तुम्हें कोई नहीं चाह सकता। वाह वाह, आपने इनको क्यों दिया है और क्या दिया आपने, आपने और ये मुझे क्यों दिया है, क्यों दिया ये बताएं। ये 2024 में नया रेजोल्यूशन। अच्छा चलिए, फिर इसके बाद आपका भी शेर है, इसके बाद वाला, इसके बाद ये वक्त आपका है, ये वक्त आपका है, थाम लें, सुनाइए। अच्छा बैक टू बैक है, बैक टू बैक विद फैमिली पैक। अच्छा, या तो पूरे मेरे रहो या मुझसे दूर रहो, या तो पूरे मेरे रहो या मुझसे दूर रहो, मुझे वफादारी में हिस्सेदारी नहीं चाहिए। वाह 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 वाह, एक सवाल का जवाब दो, वो क्या चीज है, आधी खा लो फिर भी पूरी रहती है, वो क्या चीज है? ये आपके लिए सही है सवाल, वो क्या चीज है जो आधी खा लो फिर भी पूरी रहती है? वो नहीं बोलना जो मैं सोच रहा हूँ, आई हैव नो आईडिया व्हाट इज इट, क्या है वो, क्या चीज है जो आधी खा लो फिर भी पूरी रहती है? पूरी हलवा, पूरी वाली। वाह, तुम्हारा दिमाग वहीं जा रहा था ना? नहीं, नहीं, आपका दिमाग वही कचोरी पे जा रहा था ना, कचोरी पे जा रहा था। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल। ये सात आठ पड़ोसी कहाँ से आए मेरे, ये सात आठ पड़ोसी कहाँ से आए मेरे, ये सात आठ पड़ोसी कहाँ से आए मेरे, तुम्हारे दिल में तो कोई नहीं था सिवाय मेरे। वाह वाह वाह, हाय हाय हाय, वाह 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 वाह, लगता है आपका दिल बहुत दुखा हुआ है। मेरे दुखा हुआ नहीं, ये माहौल बनाने, मैं इन चीजों पे तवज्जो नहीं देता, ये तो ड्यूरेशन निकाल रहा हूं। अक्सर लोग कहते हैं कि, अक्सर लोग कहते हैं कि ये शायर जो होते ना, ये बड़े दर्द में होते हैं। अबे मैंने तफरियों में देखा है दो चार शायर, खाली वो माहौल एक दो शायर, आप जॉन एलियस आपको कह लें कि उनके, आई लव जॉन एलियस, क्या बात, जॉन एलियस क्या बात है, वो क्या जॉन एलिया यार, जॉन एलिया। और जॉन एलिया को मैं कहता था शेर की जरूरत नहीं है, वो किसी भी नकारा शेर को अच्छा बना देते थे। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। एक शेर बहुत अच्छा है कि वो बातें खा गई मुझको, वो बातें खा गई मुझको जो बातें पी गया था मैं, वो बातें खा गई मुझको। क्या बात है, क्या बात है, ये भी उनका शेर है कि मैं अहम था ये मेरा, यही मेरा वहम था, वहम था, यस। आए हाय हाय, उनका एक और शेर है, वो है ना, वो जीवे सिली सिली ओंदी है हवा, ये गाने में बकायदा किसी ने गाया है, उनका शेर है ये। अच्छा। वो ये भी था नेड़े आ आ आ जालिमा, जॉन एलिया की बात हो रही है। अबे यार नेड़े आ कर दो ना, एक बात बताऊं, जॉन एलिया साहब की बात जो है ना, खास बात क्या थी, मुश्किल मुश्किल बातें आसान तरीके से लोगों तक पहुंचाई। वाह वाह वाह, अच्छी बात, वाह 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 वाह, क्या बात है। लेकिन वही वाली बात है, जॉन एलिया भी हमें कब समझ आए, जब हमारा दुनिया में नहीं रहे, हमारा भी यही होगा, हम जब मर जाएंगे फिर उनका बड़ा भाई था, भाई था। नुसरत फतेह अली, नुसरत नुसरत फतेह अली खान हमें कब समझ आए, जब वो दुनिया में नहीं रहे। जगजीत सिंह हमें कब समझ आए, जब वो दुनिया में नहीं रहे। आपने कभी नोट किया, कतरीना कैफ हमें कब समझ आई, जब वो बड़ी हो गई। ये एक बात है मेरे से, आपने कभी नोट किया है कि वो जनाजे पे ज्यादा फूल होते हैं, तो आप जिंदा लोगों को लोग फूल नहीं देते, जब कोई चला जाता है इस दुनिया से, तो उसके जनाजे पे जाके सारे फूल दे देंगे, बस कर दे, बच्चे रुलाएगी तू। अच्छा आप देखिए, सिग्नल में फूल बेचने वाला होता है ना, बराबर में बाप का दोस्त बैठा हुआ है, अब वो फूल बेच रहा है, अबे यार तू ऐसे बोलते यार नहीं चाहिए, फूल बेचने वाला, हाँ क्या हो गया, कुत्ते के बच्चे को दूंगा क्या, ये देखो अबे दोस्त बोल रहा है, मुझे क्यों हो सकता है। और
चला जा, जोड़ी बना देते, जोड़े हर किसी को जोड़ी बना, अबे मर्द मर्द की जोड़ी बना देते, आपकी जोड़ी, अबे मैं दोस्त के साथ क्यों ना बैठे हुए हो, तुम्हारी शादी से आपकी कभी किसी के साथ बनाई करी, आपकी किसी के साथ बनाई कभी? हाँ ना, वो थोड़ी सही थोड़ी था, क्यों नहीं सही नहीं था, क्या क्या करण मारता था, मतलब इट वाज नॉट अ जोड़ी, ही वाज लाइक माय ब्रदर, तो ऐसा इट वाज लाइक कि तुम्हारी जोड़ी सलामत रहे, दो की शादी हो जाए, मर्द मर्द की जोड़ी बना देते, आप अपने दोस्त के साथ बैठे ना, बोलते जोड़ी सलामत रहे, भाई तू क्या फ्रांसिस्को में फूल बेच रहा है, ये देखे ना अच्छी बात, औरत औरत की जोड़ी बना देते हैं। चले सुनाइए अगला शेर, अगला शेर छोड़िए, वाह 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 वाह, खाक मुझ में कमाल रखा है, ए खुदा तूने संभाल रखा है, मेरे एबो पर डालकर पर्दे, मुझे अच्छों में डाल रखा है। वाह वाह, ये लड़की, मैंने बोला था ना ये कुछ करेगी, ये मुझे करेगी। शक है ये स्पाइडरमैन, ये रात को रस्सी निकालती है, ये मुझे शक है ये स्पाइडरमैन, रस्सी निकालते लोग उसमें कपड़े सुखाते हैं। अच्छा क्या तो भाई नहीं, यार देखिए स्पाइडरमैन रस्सी मतलब वो बेचारा जान बचा रहा, लोग ही आप कपड़े कपड़े स्पाइडरमैन स्पाइडरमैन सुपरमैन ही आ जाए ना, न्यूज क्या चलेगी, स्पाइडरमैन सुपरमैन बिजली की तारों में फंस के हालात, इतनी तारें बरकत भाई, अगर आप सुपरमैन होते तो सर्दियों में यूं कर लेते रात को, मैं तो यूं कर लेता, अगला देख लेता, अगर आप अपना रोज, अगर आप स्पाइडर वुमन होती तो आप कहां कहां चिपकती, वाह बताए ना, मतलब कहां जाके चिपकती, बुर्ज खलीफा पे चिपकी हुई होती, ऐसा है, अच्छी मतलब फायदा क्या उठाती है उसका, अगर आप यार देखिए द पॉइंट ऑफ स्पाइडरमैन सुपरमैन बैटमैन जो जितने भी है वो क्राइम फाइट करते हैं, राइट, तो अब मैं जहाँ पे क्राइम हो रहा होता वहीं पे ही होती, अब मुझे आई डोंट नो कहाँ पे आजकल क्राइम नहीं फायदा होता है, बातें कर लो तुम, नहीं मतलब है कि आप फायदा उठानी, मतलब मैं चाह रहा हूँ कि ट्विन टावर पे लटक जाती मलेशिया जाके, अमेरिका जाके एम्पायर स्टेट बिल्डिंग की छत पे चिपक जाती, बिल्डिंग से लटक के क्या फायदे हो सकते हैं बताओ, अच्छा ये अच्छा रोज एक बात बताएं, लड़के अजीब अजीब किस्म का फ्लर्ट करते हैं, ये कहते हैं यार दो तीन किस उधार दे दो कल वापस कर दूंगा, तो ये गलत बात है, गलत बात है, उधार पे क्यों जा रहे हो यार, उसने ऑलरेडी किसी और से उधार लिया, बात बताए वापस कर दूंगा तो वो भी तो किसी होगी, ये तो गलत बात है, क्या हो गया लड़कों, ये आप ये ब्लॉक कर दिए ऐसे लड़कों को, हाँ जो इस तरह के मांगे ना कि तो फजूल लोग होते हैं। अच्छा रोज एक बात बताए, मेरा ये अभी अभी मेरे जहन में खलाया, इंडिया से आपको लोग बहुत पसंद करते हैं, बहुत पसंद, तो इंडिया से ठरकी कूद रहे बताएं, हाँ इंडिया से लोग, हाँ वो इंडियंस तो प्यार करते हैं, तो प्यार नहीं प्यार देते लेकिन ठरकी तो पाकिस्तान में भी इंडिया में भी है ना, हर जगह है, आज मैं देख रही थी लाइक 11% जो फॉलोइंग है जो एंगेजमेंट है वो इंडियंस है, क्या बात है, उज़्बेकिस्तान एंड अर्जेंटीना, ओ अर्जेंटीना शॉक, ये रोनाल्डो रोनाल्डो किसमें, रोनाल्डो भी ठरकी चल रहा है, नहीं पाकिस्तान एंड इंडिया अच्छे तरीके की खत्म है या बुरी तरीके की, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरह खत्म करना चाह रही हैं, किसी ने ऐसा मैसेज, लोग तो बहुत स्वीट मैसेजेस करते हैं, आई वॉच बहुत अच्छा शो था आपका, प्लीज फॉलो बैक, बहुत स्वीट okay. तरीके से वो मैसेज करते हैं, नंबर मांगते हैं आपका, मोबाइल नंबर मांगते हैं, नहीं नहीं वो अच्छे स्वीट नहीं, नहीं, नहीं मांगते, कह रहे मुझे नंबर पता आपका, फॉलो बैक मांगते हैं, सो आई डोंट थिंक इज अ प्रॉब्लम, क्योंकि ये हर वो कहती है फॉलो बैक, कह रहे ओके मैडम फॉलो बैक, ओके ऐसा नहीं, एक बात कह रहा हूं, हां जी हां, तो ये है कि आज रोज के साथ बहुत अच्छी बहुत अरे आपने और रोज काफी दिनों बाद आई, बहुत दिनों बाद आई, रोज आप आती रही, पता है लोग चाहते हैं कि आप आए, और हमारे तो आपको पता एडिट हो जाती इसमें कोई आप दिल पे, बाकी हमारे व्यूअर्स ने आपको बहुत मिस किया, बहुत मिस किया भाई, सामने आपका कैमरा है, अपने व्यूअर्स से जो कहना चाहती हैं आप कह, खुलेआम कह दें, स्पेशली जो रात को आपको सर्च करके देखते हैं, यार देखो रोज आई नहीं आई पॉडकास्ट में उनके, तो ये अब यहाँ देखें, हाँ यहाँ देख के कोई बात कह रहे हैं, कोई बात मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि ये नया साल है, तो कोशिश करें कि बी काइंड, किसी का दिल फिजूल में ना तोड़े, सही बात, अच्छा को हर्ट ना करें, नहीं नहीं करें, एंड अच्छे अच्छे इंसान बने, इंसान के बच्चे बने, इंसान के बच्चे बने, एग्जैक्टली, और बस यही कहना चाहूंगी कि जियो और जीने दो, पाकिस्तान जिंदाबाद, मैंने कह दिया, ठीक है।